अब ये क्या बता रहे, लगभग मुसलमान देश विरोधी है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू को भड़काने का काम कर रहे, वही क्या काम हो रहा, वही कश्मीर में जाकर के मुसलमानों को फ्री सिलेंडर दे रहे, लोगों को यहाँ 15 साल नोच कर सिलेंडर के पैसे लेकर खा के आज ये हरियाणा में भी सिलेंडर 500 रुपए के देने की बात कर रहे, तो ये कौन सा तरीका, समझ में नहीं आता। अब देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ने वाली बात कर रहे, हम लोग पूछना चाह रहे हैं योगी जी से, योगी जी अगर आप हिंदू धर्म के इतने बड़े सुरक्षित व्यक्ति है, तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद में सबसे पहले चढ़कर के वार किया था, गुम्बद तोड़ने का काम किया था, हथौड़ा मारा था, वे आदमी आज कहां है, वे हिंदू थे, और जब वे हिंदू थे तो आप लोगों से उनकी सुरक्षा क्यों नहीं, तो आज वे मुसलमान धर्म में क्यों चले गए, उनवे मुसलमान धर्म क्यों कबूल कर लिया, अगर आप हिंदू के इतने बड़े हितेशी है। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, या तो आप हिंदू के हितेशी बनो और मुसलमानों के विरोधी बनो, या तो साफ साफ ही है ना कटाक्ष, या तो वो करके दिखाओ, वो करके नहीं दिखाते क्या काम कर रहे, कहला नहीं हम मुसलमान भी चाहेंगे, मुसलमानों का एक अलग से वो भी बना दिया उन्होंने आजकल, वो इनका काम सिर्फ भ्रमित करने का है, हाँ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, तो लोगों को भ्रमित करने का काम है। दूसरी बात क्या बता रहे, दूसरी बात होता है देश के अंदर जिहाद चल रहा, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, पता नहीं कितने जिहाद बना दिए। हम लोग कह रहे लव जिहाद में सबसे ज्यादा लड़कियां भाजपा वालों की मुसलमानों के यहाँ भी आई, और दूसरों को बता रहे कह लव जिहाद के शिकार ना हो जाइयो तुम। अब हम कहे मैंने 2013 में भाजपा के लिए इतना काम किया, मोदी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे, मुसलमानों से वोट डलवाई मैंने, हाँ अरे मुझे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी, हाँ 2013 में, हाँ मैं सोचा था ना देश का प्रधानमंत्री कुछ बढ़िया काम करेगा, मोदी बुलाना चाहते हाँ, हमें क्या पता था कि ये तो बिल्कुल टिल्ला ही कर देगा, अब किसानों को भी टिल्ला कर दिया, और किसानों का टिल्ला सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ, हमारे बच्चे किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे सबसे ज्यादा आर्मी में होते हैं, फोर्स में होते हैं, पुलिस प्रशासन में होते हैं, सबसे पहले तो आर्मी वाले खत्म करी, अग्निवीर बना दी, हम लोग अरे ठीक है अग्निवीर बना दी, हमारे लिए ठीक है, तो नेताओं के लिए भी 4 साल की योजना ला दो, 4 साल ज्यादा ज्यादा कोई सभी राज नहीं करेगा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा, कर दो, क्यों नहीं करते है? ना अपनी पेंशन खत्म कर दे, जितने पुराने आर्मी के रिटायरमेंट आदमी है उनकी पेंशन खा गए, सरकारी नौकरी की पेंशन खा गए, पुलिस वालों की पेंशन खा गए, सबकी तो पेंशन खत्म कर दी, और फिर कह रहे वो राज्यों को अपना अधिकार है, जब राज्य को अधिकार है तो उत्तर प्रदेश में तो 10 साल हो गए सरकार चलाते, उत्तर प्रदेश में योजना लागू कर दो ना, क्यों नहीं कर देते ना, वहां कर रहे, बात मुद्दू की है, मुद्दों पर बात कर रहे हैं सरकार से, अगर सरकार हमारे मुद्दों का सवालों का जवाब देगी तो हम सरकार का स्वागत करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में लागू कर दो जब राज्य सरकार कर सकती है, तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया कहा, अरे मैं तो 2014 में वोट देकर बहुत पछता था, 2019 में तो न दी मैंने ना 24 में दी, पहली बार दी थी मैंने, पहली बार ये कहा था भाई कुछ ना कुछ अच्छा होगा भाई, चलो हमें नहीं पता था, हमने देखा कि भाई चल ठीक है भाई आदमी ठीक है कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, व्यापारियों को तो फायदा दे रहे, किसको फायदा दिया मुझे बताओ, जब ये कहा जाता है क्योंकि आप भी विरोध करते हैं कटोगे तो कटोगे 80-20 की लड़ाई, जब इस तरीके के नारे आते क्या सहन में आता आपके, ये बिल्कुल झूठ है, ये नारे जोड़ से दे रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, नारे तो बोल रहे देश के मुख्यमंत्री, झूठ क्यों है मैं बता देता हूँ, कहले 80-20 का नारा दिया, ठीक है चलो 20% मुसलमान होंगे अलग होंगे, 80% हिंदू होगा, ठीक है तो लोगों को गुमराह कैसे कर रहे झूठ बोल करके, 80% हो गया कहले 80-20 की लड़ाई है, हम लोग अरे इस 80% में दलित समाज कहाँ जाएगा, वो तो हिंदू नहीं है, है वाल्मीकि कहाँ जाएंगे, सभी तो हिंदू है नहीं है ना, वे मंदिर में नहीं जाने देते ना भाई, एक बात बताओ, अगर आपने भगवान भी बांट दे बिरादरी के हिसाब से, आप लोग आज भी अगर कोई दलित समाज का आदमी आपके क्षेत्र में घोड़ी पर चढ़ रहा है आप उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आप उसके अपनी चारपाई पर नहीं बैठने दे रहे हैं, उसको बराबर का अधिकार कहाँ है मुझे बताओ, अगर बराबर का अधिकार होता तो आजाद समाज पार्टी बनी वो क्यों बनती, चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी क्यों बनाता, मायावती अपनी पार्टी क्यों बनाती, तो जरूरत नहीं थी ना इस देश के अंदर, तो फिर भाजपा रहती ना, फिर कांग्रेस की क्या जरूरत थी, ये हिंदू नहीं है, हिंदू मानते नहीं ना ये, मैं ये कह रहा हूँ कि चल मैं तो मानता हूँ हिंदू है, मैं तो ये मानता हूँ ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे होता है वो इंसान बुरा, मैं तो ये चीज मानता हूँ, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ भाई, ठीक है आपने ये चीज करी, आप कह रहे हो कि हिंदू है तो उनको बराबर का दर्जा क्यों नहीं दे रहे, हम ये कहते हैं सबसे उस कोटि तुम्हारे यहाँ सिख बिरादरी में ब्राह्मण की है, ठीक है उस ब्राह्मण को ये कहो कि तू एक हरिजन के हाथ का पानी का गिलास पी, नहीं पीगा, नहीं पीगा, क्यों पी के दिखाओ, दिखाओ ना पी करके, हैं एक उच्चतम जाति का एक मान लिया राजपूत है कोई,
और राजपूत के यहाँ पे मिट्टी का घड़ा रखा है, और एक हरिजन को आप ले जाओ, उसे कह दो कि उस घड़े से तो पानी भर दे। तुम्हें पता है कि अभी एक बच्चा कितना मारा था, एक टीचर ने मार दिया था उसको पीटते पीटते, घड़े से पानी भर लिया था उसने। इंद्र मेघवाल, तो पता है ना चीज का, पता है ना चीज का। तो आप बात कहां की कर रहे हैं, आप तो सिर्फ बात इतनी कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करो, अपनी सत्ता को चमकाओ, अपनी सीट को चमकाओ, ये काम कर रहे हैं बस। तो कह रहे जाति बात कर फैला रहे हैं बाकी पार्टियां, जब जाति की बात हो रही है तो कौन कर रहा है भाई। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, सबको साथ लेकर के चल रहा है। केवल एक पार्टी ऐसी जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हर पार्टी यही कहती है कि हम सब एक साथ है। केवल भाजपा को ही दिक्कत क्यों है, भाजपा को दर्द क्यों है? भाजपा को दर्द इसलिए है, भाजपा का वोट बैंक 33% है, 33% वोट बैंक है उसका, उसका बढ़कर के 35 हो जाएगा, इतना ही होएगा बस, क्योंकि वो लोगों में जो जहर उगालने का काम कर रहे, तो इतना हो जाएगा, बाकी के 70% कहां गए? पर अभी जो तेलंगाना में जब पीछे चुनाव हुआ तो अमित शाह का भाषण काफी वायरल था, और मोदी जी ने भी लोकसभा चुनाव में ये भाषण दिया कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको संपत्ति बांट दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यही भाषण कश्मीर में जाके कैसे बदल जाते हैं? पता ना कश्मीर में तो इसलिए बदला है ना, पता ना वहां मुसलमान ज्यादा रह रहे, मुसलमान इन्हें सत्ताचारी मासिक, ये तो उस चीज की चाटुकारिता में लगे हुए हैं ना। बीमारी वह नहीं है भाई साहब जो आप सोच रहे हो, समस्या अगर कोई है तो उसका समाधान है, और जिस चीज का समाधान नहीं है वो वास्तविकता से स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब सरकार में क्या काम कर रहा है, सरकार को मैं बता रहा हूँ ना, हरियाणा में सिलेंडर देना 500 रुपए में चालू कर दिया, पहले लूट लिया, ठीक है। अब जो मुद्दे है ना मैं उन पर ध्यान दो, अभी क्या काम कर रहा, मैंने क्या कहा कि सरकार उद्योगपतियों की सरकार है तो उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचा रही, आप लोगों की 10 साल की गाड़ियां कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है, 10 साल की गाड़ी का इंजन ही तो पोल्यूशन करता होगा, तो फिटनेस सेंटर खोले जा सकते हैं जैसे पहले ट्रकों के और टैक्सी गाड़ियों के खोले जाते थे कि वो उसका पोल्यूशन खत्म कर दे, पोल्यूशन को चेक करके उसका फिटनेस सेंटर खोला जाता था। अब क्या काम हो रहा है, अब गाड़ियों को खत्म ही कर दिया जा रहा है, काट दी जा रही है, ट्रैक्टर को भी गाड़ी को भी, 10 साल में ट्रैक्टर का क्या बिगड़ेगा, ट्रैक्टर तो एक दिन गया और खेत में साल में 3 बार निकलता है तो क्या बिगड़ जाएगा उसको, तो टायर भी नहीं घसते 10 साल में तो। और ये कह रहे हो हम कह रहे हैं बट ठीक है चलो गाड़ी पोल्यूशन कर रही है, इंजन बदलवा सकता है आदमी 1 लाख रुपए में, गाड़ी तो खत्म नहीं होने की ना 20 लाख रुपए की, लेकिन वो गाड़ी खत्म हो जा रही है, उसका क्या कर रहा है, उसका उद्योगपति को फायदा मिल रहा है, रोज नई नई गाड़ियां आ रही है, रोज नई नई लॉन्च हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सरकार को सोचना चाहिए ये किसको किसको चोट पड़ रही है, ये पड़ रही है गरीब मजदूर आदमी जो हमारे तुम्हारे जैसे हैं, उनको क्या है कि ये मिडिल क्लास फैमिली में नीचे है, ठीक है, बस सेकंड हैंड गाड़ी लेते, नहीं लेने का जुगाड़ नहीं है, ठीक है, उससे उसने देखते तो एक गरीब तबका जो है वो उसको नीचे से ले लेता है और पुरानी गाड़ी ले लेता है, लेकिन उस चीज को तो खत्म ही कर रहे हैं ना। अरे प्रदूषण किस चीज से हो रहा है, प्रदूषण को ये दिल्ली में भी मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर साल शोर मचाती है, हर साल कहती है पोल्यूशन आ गया पोल्यूशन आ गया पोल्यूशन आ गया, पोल्यूशन के लिए पहले प्रचार हो जाएगा शुरू, बाद में प्रचार हो जाएगा, फिर सिविल डिफेंस वाले लोग लगा देंगे, कितना पैसा हर साल खर्च कर रहे हैं, समाधान पे तो बात नहीं कर रहे ना। समाधान का मतलब है कि आप लोग यार हर चौराहे पे जितना पैसा आपने खर्च कर दिया प्रचार में आ रहा है और पोल्यूशन जा रहा है, रोड इवन शुरू हो रहा है, इतने में तुम हर चौराहे पे एक स्मोकर लगा देते, कितने स्मोकर लगाए मुझे बताओ ना, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखना मेट्रो में भी मिलेगा एड, बाहर भी ऐड मिलेगा, टीवी पे भी ऐड मिलेगा, फोन पे भी ऐड मिलेगा, सारे को प्रचार करना, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये समाधान पे बात नहीं करेंगे, समस्याओं पे बात करेंगे। राशन दे दिया ठीक है, आपने राशन कितने का दिया, उससे ज्यादा का प्रचार राशन बांटने के नाम पे कर देगी, हमने इतना राशन बांट दिया, ठीक है। सिलेंडर पे सब्सिडी कम होगी, सब्सिडी लगा दी, मान लिया हरियाणा में करे 500 रुपया सिलेंडर देंगे, हमने इन्होंने लूटा पहले, अब यहाँ पे भी यही काम करे, सारे को यही काम करेंगे, क्योंकि भाजपा जा रही है, उसको पतन का समय आ चुका है। जब 70 साल में कांग्रेस खत्म हो सकती है तो 15 साल में भाजपा भी खत्म हो सकती है, तो पतन का काम आ रहा, तो फिर में वाली बात देनी शुरू करेंगे। लेकिन बात समस्या वो नहीं है ना कि फ्री देने समाधान हो रहा है, अपने घर से दो ना, जनता के पैसे क्यों दे रहे हो, देश में के विकास में लगाओ ना पैसे को, लेकिन वो नहीं लगाना ना, अपनी पेंशनें खत्म नहीं करनी, सबकी पेंशनें खत्म कर देनी। बीमारी यह है भाई साहब, बीमारी को जड़ से सोचना पड़ेगा, ऐसे समाधान नहीं होगा बीमारी का।